नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। तो ट्राई ने भेजा है रिलायंस जियो के पास नोटिस, जिसमें उन्होंने रिलायंस जियो से मार्च 2017 तक वेलकम ऑफर के टाइम को बढ़ा देने पर क्लेरिफिकेशन मांगा है। और अगर जियो ट्राई को कोई भी सेटिस्फेक्टरी जवाब नहीं दे पाता है तो जियो को अपना एक्सटेंडेड हैप्पी न्यू ईयर ऑफर का प्लान खत्म भी करना पड़ सकता है। पूरी बात को जानने के लिए देखते रहिए हमारा ये वीडियो। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इसे क्लिक कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि अगर आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जियो और से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले हम आप तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, रिलायंस जियो ने अपने कस्टमर्स को 90 दिन का फ्री वेलकम ऑफर दिया था और इसीलिए जियो की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि बाकी टेलीकॉम कंपनीज काफी कोशिश कर रही हैं रिलायंस जियो को रोकने के लिए। और अभी हाल ही में एयरटेल ने अपनी एक पेटिशन भी डाली है, जिसमें उन्होंने बोला है कि रिलायंस जियो 90 दिन के ऑफर के रूल को वायलेट कर रहा है, उसको तोड़ रहा है, क्योंकि किसी भी ऑफर को कोई भी टेलीकॉम कंपनी 90 दिन से ज्यादा तक नहीं दे सकती है और जियो ऑलरेडी 90 दिनों तक अपना ऑफर दे चुके हैं। इसीलिए जियो को अपना ऑफर मार्च 2017 तक एक्सटेंड करने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। दोस्तों, इसी वजह से ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिलायंस जियो को अब 4 दिन का ओवर टाइम दिया है। अब काफी कम टाइम बचा है रिलायंस जियो के पास ये बताने के लिए कि उन्होंने जो अपने वेलकम ऑफर को मार्च 2017 तक एक्सटेंड किया है तो ये किस तरह से 90 दिन के ऑफर की पॉलिसी को वायलेट नहीं कर रहा है। वैसे अब तक रिलायंस जियो का ट्राई को जवाब यही है कि पिछले ऑफर में डेली इंटरनेट यूजेज उन्होंने 4 GB तक रखी थी, लेकिन अपने नए एक्सटेंडेड ऑफर में उन्होंने डेली इंटरनेट यूजेज 1 GB तक की रखी है। दोस्तों, अब देखना ये है कि रिलायंस जियो ट्राई को कोई सेटिस्फेक्टरी जवाब दे पाता है या नहीं। वैसे हम सब तो यही चाहते हैं कि जियो का हैप्पी न्यू ईयर का एक्सटेंडेड प्लान 31 मार्च तक जरूर चलना चाहिए। तो दोस्तों, फेसबुक, ट्विटर और बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी आप जियो को जरूर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप जियो को सपोर्ट करेंगे तभी जियो अपना हैप्पी न्यू ईयर ऑफर मार्च 2017 तक कंटिन्यू कर पाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ये जानकारी बाकी सभी लोगों तक भी जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक जियो और टैक्स से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले हम पहुंचाते रहे। हमारे ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में।